Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I am Moon. I make video all about the fashion, beauty and lifestyle. So friends, आज करवा चौथ है, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को. आई होप आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे. तो मेरे को सडनली कुछ चीज़ें दिमाग में आई, तो मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बनाती हूँ. जिसकी फर्स्ट करवा चौथ है, जो न्यूली मैरिड है, जिसको बहुत ज़्यादा रेडी होना नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी लहंगा ज्वेलरी मतलब इतना ज़्यादा तामझाम करना नहीं पसंद है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. कुछ चीज़ें ऐसी है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनके साथ में आप आपके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. हर कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसे बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें पसंद हो. मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा रेडी होना अच्छा लगता है, मेरे को पसंद है. बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है. तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करके आपके लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं. सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी या फिर लहंगा साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप सिंपली दो कलर पिक करिए, या तो रेड या मैरून. मैरून में जाना चाहते हैं तो आप मैरून कलर की साड़ी या फिर लहंगा पहन लीजिए, सिंपल ही पहन लीजिए. बहुत ज़्यादा हेवी में जाने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि ये जो रेड और मैरून कलर जो होते हैं, ये अपने आप में ही इतने अच्छे होते हैं कि इनके साथ आपको कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है. ये कलर जो होते हैं अपने आप में ही एक एलिगेंट लुक देते हैं. आप सिंपली साड़ी पहन रहे हैं तो साड़ी, या फिर लहंगा पहन रहे हैं तो लहंगा पहन लीजिए. इसके साथ आप सिंपली चूड़ा डाल लीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिस चूड़े में आप कंफर्टेबल फील करते हो वो चूड़ा आप डाल लीजिए. चूड़ा आपका ज़्यादा अच्छा बड़ा रहेगा तो वो लुक अच्छा आएगा. उसके साथ में आप ज्वेलरी में बहुत कम ज्वेलरी पहन लीजिए. अगर आपका बोट नेक है तो आप उसमें लॉन्ग सेट पहन लीजिए, या फिर आपका डीप नेक है तो आप उसमें चोकर स्टाइल कर लीजिए. यही चीज़ें आपके लुक में चार चांद लगा देगी. उसके अलावा आपको एक ईयरिंग्स पहन लेने हैं. अगर आप चाहें कि आपके चोकर के सेट के साथ ही पहनना चाहते हैं तो आप वो भी पहन लीजिए, या फिर आप अलग से अगर छोटे ईयरिंग्स डालना चाहते हैं तो वो भी स्टाइल कर सकते हैं. बात करते हैं अब हेयर स्टाइल की. अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल में तामझाम नहीं करना है, सिर्फ सिंपली अपने हेयर स्टाइल रखना है, तो आप सेंटर पार्टीशन कर लीजिए, ओपन रख लीजिए. अगर आपके हेयर अगर बहुत शॉर्ट है तो ओपन हेयर में भी बहुत अच्छे लगेंगे. सेंटर पार्टीशन करके आप उसमें अपने सिंदूर डाल लीजिए. यही चीज़ें आपके लुक को बहुत ज़्यादा एलिगेंट बना देगी. मतलब आपका लुक इतना अच्छा हो जाएगा कि जो हेवी से हेवी चीज़ें हैं उनको भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं यही हमारी सुंदरता होती है. आप यही चीज़ें को फॉलो करेंगे तो आपका लुक जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा. आप सिंपली उसके अलावा आप पार्टीशन करके सिंदूर डाल लीजिए. उसमें आप अपना जो दुपट्टा है, जो आपने शादी के टाइम पे स्टाइल किया होगा, नाइट में भी जब मैं रेडी होंगी तो मैं वही दुपट्टा अपने सर पर डालूंगी, तो आप वही दुपट्टा अपने सर पर डाल लीजिए. इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है. पहले आप अपना मेकअप कर लीजिए, जैसा मेकअप आपको पसंद है आप वो कर लीजिए. ये हो गया आपका करवा चौथ का लुक रेडी. आप इस लुक में बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, क्योंकि जब आप रेड कलर या मैरून कलर स्टाइल करेंगे तो इन कलर्स के साथ में आपकी जो फोटोज़ है वो भी बहुत अच्छी आएगी, और आप बहुत कम्फर्टेबल भी फील करेंगे और बहुत सुंदर भी लगेंगे. तो जो न्यूली मैरिड है, जो उनको ज़्यादा रेडी होना नहीं पसंद है, वो इस लुक को फॉलो कर सकती है और अपना जो करवा चौथ है उसे स्पेशल बना सकती है. अगर आपके हेयर थोड़े से लॉन्ग है तो आप उसमें जूड़ा बना के रख लीजिए, सेंटर पार्टीशन करके जूड़ा बना लीजिए, और कुछ भी नहीं करना. और उसमें अगर आपके पास में कुछ आर्टिफिशियल्स बन रखा हो तो आप वो लगा लीजिए आप, और उस पर आप अपना दुपट्टा अटैच कर लीजिए. ये लुक बिल्कुल परफेक्ट लुक हो गया है एक करवा चौथ के लिए. और उसी के साथ आप अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, आपका लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे. और जिन लोगों को इस तरह का सिंपल लुक चाहिए बट एलिगेंट दिखाना है, उनको ये वीडियो पहुँचे और वो उनकी हेल्प हो सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.